stop it! तुम इसमें इन्वॉल्व मत हो, ओके? This guy is gone. Don't you? तुम यहाँ से बाहर जाओ, बाहर जाओ. Get out. Sir, we have to stop this operation right now. I'm giving order to blast. Okay, sir. Just do it. क्यों? आप समझ क्यों? गुड जॉब गाइस, गुड जॉब. हाँ, बहुत अच्छा काम किया. थैंक यू सर. गुड सर. व्हाट हैपेंड सर? गॉड्स ने अपने क्रेडिट कार्ड से भी पैसे विड्रॉ करके चेकआउट किया है सर, ब्लू फॉक्स होटल से सर. व्हाट? यस सर, जस्ट 3 मिनट्स अगो सर. आर यू श्योर? यस सर, वो यहाँ से अभी नीचे गया है सर. उसका लाइव जीपीएस शेयर करो. ओके सर. एंड कीप इट सीक्रेट. ओके श्योर सर. Get out. Ma'am? Get out. But, lekin... Sit. Fast. Check. Check that. Goat says credit card details, right? Pull it up. Yes. Pull it up. Yes, ma'am. Kab order kiya usne? How many minutes before? 5 minutes ago. Okay, good. Pull that up. Pull that up. Whatever you can find. Yes, yes, yes ma'am. Yes, yes, yes. Last 10 days purchases. Right now. I want it right now. Drones? Yogi. लिसन केयरफुली. हमें गोडसे के आईपी एड्रेस से पता चला वो मिरर लैंग आया है, पर वो इसी सिटी में ही है. हाँ, उस क्रिमिनल ने हमें मिसलीड किया है. मैं तुम्हें एक जीपीएस लोकेशन फॉरवर्ड कर रहा हूँ, फॉलो करो उसे. आई एम ऑन द वे. उसे मत छूना. इज इट ट्रैप? It's already. Sir, where's the CM now? He is in a secret place. What's your problem? His life is in danger. Sir, एक कार बिल्डिंग में दाखिल हुई है सर.
बॉम्ब बॉम्ब नो नो गोली मत चलाना रुक जाओ अगर तुम में से कोई भी हिला तो टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। मिस्टर विश्वनाथ मेरी बात एक बार। तुम्हारे मुंह से एक भी शब्द निकला तो इस गन में जितनी बुलेट्स हैं खाली कर दूंगा। आई मीन इट। बचपन में सुना था कि रईस लोग बड़े आराम की और ठाट बाट की जिंदगी जीते हैं। उस तरह की जिंदगी जीने के लिए मैंने अपना गांव, अपना जिला, यहां तक कि अपना देश भी छोड़ा। और देश छोड़ने के बाद पैसा कमाने के लिए न जाने कितने अलग अलग तरह के बिजनेस किए। जस्ट इन द नेम ऑफ सर्विस तुम सब पॉलिटिक्स में उतर गए। और जिस ऐशो आराम के लिए मैंने जिंदगी भर मेहनत की वो अपने आप आके तुम्हारे पैरों में कैसे गिर गई। मिस्टर सीएम, राष्ट्र की सेवा करने की कितनी तनख्वाह मिलती है आपको? सीएम को ज्यादा से ज्यादा 3,05,000 मिलते हैं, एक एमपी को 2,83,000 और एमएलए को 1,25,000। मतलब किसी भी एंगल से देख लो तो 5 साल में तुम ज्यादा से ज्यादा 1,80,00,000 रुपए के आसपास कमा सकते हो। लेकिन आज तक अपनी बेनाम प्रॉपर्टीज और अपनी सो कॉल्ड सूटकेस कंपनीज के नाम पर तुम 72,000 करोड़ रुपए कमा कर बैठे हो। इंसान नौकरी करके पैसे कमाता है, बिजनेस करके पैसे कमाता है या खेती करके पैसे कमाता है, लेकिन पब्लिक सर्विस के नाम पे तुम लोग करोड़ों की प्रॉपर्टी कैसे कमाते हो? बिकॉज यू आर ऑल लूटिंग पब्लिक मनी इन द नेम ऑफ सर्विस। अपने अधिकार और पैसों के बल पर तुम लोग कुछ भी कर सकते हो, इस सोच को ही तोड़ने के लिए मैं यहां पर आया हूं। यू मिसअंडरस्टैंडिंग। अपनी जुबान से मुकरने वाला कोई पॉलिटिशियन समझा क्या? इसने तुम्हारे दम पे कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद की पता है तुम्हें? कितनी सारी इंडस्ट्री सिर्फ अपने फायदे के लिए बंद करवा दी। मैंने क्या किया था? जिंदगी के 25 साल मेहनत करके पढ़ने वाला कोई विद्यार्थी अगले 25 साल ऐसी नौकरी करना चाहता है जो उसके क्वालिफिकेशन के लायक हो, लेकिन तुम जैसे लोगों की वजह से हमारे देश के सिर्फ 6 या 7% लोग ही अपने उस सपने को पूरा कर पाते हैं। और बाकी 93-94% लोग जो नौकरी मिले उसी में खुश हो जाते हैं, सोचते हैं जिंदगी का कोई मतलब नहीं। क्या हालत कर दी है देश की? 1,30,00,000 लोगों को जॉब देगा, दूसरा 5,00,000 रोजगार पैदा करेगा, बस इलेक्शन में वोट कमाने के लिए जो मुंह में आए बक देते हो और फिर जनता के दिए वोट और सरकार के पैसे से अपनी जेब भरते हो और फिर उसी जनता को कीड़े मकोड़ों की तरह रौंद देते हो। मेरे जैसे बिजनेसमैन लोगों को नौकरी दिलवाने, हमारे देश की तरक्की करने के लिए, लोगों की सेवा करने के लिए आते हैं, और सेवा के नाम पे तुमने पॉलिटिक्स को बिजनेस बनाकर रख दिया है। मेरे काम को, मेरे अरमानों को मेरी आंखों के सामने तुम सबने मिलकर चला कर रख दिया। बहुत हुआ। कर्तव्य निभाएगा वो असेंबली में होगा, जिसे अच्छा तजुर्बा हो वो पार्लियामेंट में होगा, जो इज्जतदार हो वो मेयर होगा और जो सभ्य हो वो सरपंच होगा। यू आर ऑल नॉट फिट टू सिट ऑन दिस प्लैनेट। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम। I need to stop him.
गॉडसे ने गवर्नर सर को देने के लिए जो कॉन्फिडेंशियल डेटा डिस्क बनाई थी वो ये है। सर, देयर इज सम सेंसिटिव इंफॉर्मेशन आई वांटेड योर अटेंशन विद। गॉडसे हैज कलेक्टेड ऑल दिस एंड ही हैज लॉस्ट अ लॉट व्हाइल कलेक्टिंग दिस। सर, दीज आर द डिटेल्स फॉर योर रेफरेंस। दिस डेमोंस्ट्रेटिव एविडेंस इज पॉइंटेड टू द राइट डायरेक्शन सर। आवर सिस्टम्स हैव बीन करप्टेड। इतना सेंसिटिव डेटा विश्वनाथ रामचंद्रन अलियास गॉडसे एंड फ्रेंड्स ने बहुत मुश्किल से इकट्ठा की है सर, और इस जद्दोजहद में उन्हें अपनी जान भी गंवानी पड़ी सर। गॉडसे ने जीते जी हमारे लिए बहुत काम किया है सर। गॉडसे के इतने लोगों को मारने के बाद तुम ये कहना चाहती हो कि उसका मकसद सही है? नो सर, नो। उस गॉडसे ने महात्मा जी को मारा था और इस गॉडसे ने महात्मा जी के खिलाफ जो राजनेता है उनको मारा है सर। सर, उसने जो रास्ता चुना था वो बिल्कुल गलत है, आई अग्री। पर उसका एकमात्र लक्ष्य लाखों ग्रेजुएट्स को काम दिलाना था सर, और ये तो देश की भलाई के लिए ही है सर। इस देश में कई प्राइवेट इंडस्ट्रीज में जॉब मिलना नामुमकिन सा है सर, और अपने स्वार्थ के लिए कई फॉर्म्स पेंडिंग हैं। अगर आप जरा ध्यान दें तो वो पास हो सकते हैं सर, और ये बहुत जरूरी है। देश के कई ग्रेजुएट्स को हमारी वजह से काम मिल सकता है सर। सर, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज टेक एक्शन। अपने अधिकार का सही उपयोग करने के लिए एक सही मौका मिलना चाहिए। रबर स्टैंप की पावर क्या है वो मैं दिखाऊंगा।